My student, continue with our today's chapter, that is the solar energy. The earth is a unique planet. इस chapter में basically बाकी पुराने topics जो हैं हमने already cover कर लिया था, जो universe, solar systems में star, sun, planets and satellites. We all discussed earlier. टुडे वी डिस्कस द अर्थ इज़ ए यूनिक प्लैनेट. जैसे आपको डायग्राम में दिख ही रहा है कि अर्थ का डायग्राम है एंड इज़ अ वेरी यूनिक ड्यू टू इज सर्टन प्रेजेंस. सो द अर्थ इज द ओनली प्लैनेट वेयर लाइफ एग्जिस्ट. लाइफ इज पॉसिबल ओनली ऑन द अर्थ बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ एटमोसफियर, ऑक्सीजन एंड वाटर. द एटमोसफियर ऑल्सो प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज ऑफ द सन. It's the surface has the mountain, rivers, valleys and oceans. It is believed that the earth was very hot during the early part of the formation. It took them millions of years for the earth to cool down. मतलब कि अर्थ जो है वो सिर्फ ऐसा एक प्लैनेट है जिसमें लाइफ जो है वो एग्जिस्ट करता है, दूसरे किसी प्लैनेट में लाइफ है नहीं. लाइफ अर्थ में पॉसिबल इसलिए है क्योंकि यहाँ पे जो एटमोसफेयरिक कंडीशंस है, एटमोसफेयर का जो वे है वो लाइफ एग्जिस्ट करने के लिए ज़रूरी है. ज़रूरी क्या क्या है? एक तो ऑक्सीजन, दूसरा वाटर. मतलब ये दोनों चीज़ों के बिना लाइफ की कल्पना करना हमारे लिए इम्पॉसिबल है. एटमोसफियर जो है वो हमको हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज से, अल्ट्रावायलेट रेज कहाँ से आता है? वो आता है सूरज की किरणों से. देखना जब बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है तो स्किन हमारी जलने लगती है, यूवी रेज निकलते हैं. तो वो यूवी रेज क्या है? दैट यूवी रेज कॉल्ड अल्ट्रावायलेट रेज. तो एटमोसफियर जो है अर्थ का, वो एटमोसफियर उस यूवी रेज को डायरेक्ट आपके पास आने से रोकती है. और ऑक्सीजन का आपको पता ही है कि ये हमको ब्रीदिंग में हेल्प करता है, और एज वेल एज पानी जो है वो हमारे बॉडी के लिए कितना ज़रूरी है बिकॉज इट्स मेक द 70% ऑफ द वाटर. अब इसकी बात करें कि अगर हम सरफेस की बात करें तो सरफेस में सिर्फ ह्यूमन है ऐसा तो नहीं है अर्थ में. अगर अर्थ की सरफेस के बारे में चर्चा करें तो वहाँ पे माउंटेंस है, रिवर्स है, वैलीज है एंड ओशंस हैं. वी ऑलरेडी टॉट इन द लास्ट ईयर दैट व्हाट इज़ द माउंटेन, रिवर, वैली, ये सारे एसिस्टी के पोर्शंस हैं. तो ये पीपल्स नो वेरी वेल कि माउंटेंस क्या है, रिवर्स क्या है, वैलीज क्या है एंड ओशंस क्या है. तो ये बिलीव किया जाता है कि अर्थ वॉज अ वेरी हॉट ड्यूरिंग द अर्ली पार्ट ऑफ इस फॉर्मेशन. ये मान्यता है कि अर्थ जो है वो बहुत ज़्यादा गर्म था, इट्स कॉल्ड हॉट, जब वो बना था. और इट टुक्स मिलियन ऑफ ईयर्स, और बहुत बहुत साल लग गए इसको कूल डाउन होने में, ठंडा होने में. अब आते हैं स्ट्रक्चर्स ऑफ अर्थ के क्वेश्चन पे. ये अर्थ का स्ट्रक्चर होता क्या है या कैसे होता है? द अर्थ हैज़ एन एक लाइक स्ट्रक्चर, इट हैज़ अ सेंटर, देयर इज़ अ योक ऑफ मेटल्स कॉल्ड द कोर दैट इज सराउंडेड बाई द एक वाइट of the soft rock called mantle and outer shell of the hard rock called crust. ये basic structure से earth का क्या बोला गया है कि earth का जो structure है ये कैसा दिखता है? It is look like a egg. अगर आप ध्यान से इस diagram को देखोगे, it is look like a egg. अब इसका center क्या है? It is a center, it's look like a yolk of the metals. इसको क्या बोला जाता है? कोर. ये ध्यान से आप ये अंदर वाले लेयर को देखो, ये कोर है और ये कोर है. तो इस बेसिक कोर को क्या बोला गया? एक तो इनर कोर, और इसको क्या बोला गया है? इट इज़ अ आउटर कोर. दो कोर है, एक इनर एक आउटर. इसके बाद आता है सराउंड का. तो सराउंडिंग जो है वो एक वाइट से है. हम जाते हैं अंडे के चारों तरफ जो उसका वाइट पोर्शन है, दैट इज़ द एक वाइट. वो क्या है? इट इज़ कॉल्ड द मेंटल, जो सॉफ्ट रॉक से बना हुआ है. तो अपार्ट फ्रॉम दिस कोर,
आउटर पोर्शन किससे कवर है, इट इज़ कवर विद द मेंटल एंड द आउटर शेल. एक जो हार्ड कोर होता है एक का, वाइट वाला जो हार्ड पोर्शन होता है जिसको तोड़ के हम या ब्रेक करके हम योक वाइट निकालते हैं, इट इज़ कॉल्ड द क्रस्ट. ये आपको दिख रहा होगा CRUST, क्रस्ट. तो इस पोर्शन को हम क्या बोलेंगे, इट इज़ कॉल्ड द क्रस्ट. तो ये बेसिक स्ट्रक्चर्स हैं अर्थ का, जिसमें इनर कोर है, आउटर कोर है, मेंटल है एंड क्रस्ट है. ये सारे के सारे पार्ट्स अपने आप में बहुत इम्पॉर्टेंट हैं. तो शो यू हाउ इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर अस टू नो अबाउट द अर्थ. अब हम अंदर तो नहीं रहते, हम कहाँ रहते हैं, पृथ्वी की ऊपरी सतह पे हम रहते हैं. तो इट्स एज अ फर्स्ट फॉर्मेशन ऑफ द क्रस्ट. क्रस्ट की बात करें तो क्रस्ट के कुछ इंपॉर्टेंट 5 पॉइंट हैं. द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड क्रस्ट. जैसे मैंने अभी कहा कि आउटर मोस्ट लेयर जो है उसको क्या बोलते हैं, क्रस्ट. इट्स थिकनेस वेरीज फ्रॉम द प्लेस टू प्लेस. इट्स वेरीज फ्रॉम द 6 to 11 किलोमीटर अंडर ओशंस, बट द अंडर हाई माउंटेंस इट अबाउट द 70 किलोमीटर थिक. अगर इसकी थिकनेस की बात करें, जो ये कोटिंग है वो कितना मोटा होता है, थिकनेस इन द सेंस समहाउ इट इज़ कॉल्ड द कि कितना मोटा है उसका लेयर जो है. तो ये जो है ये वेरी करता है प्लेस टू प्लेस. प्लेस टू प्लेस मतलब अर्थ में ही खूब सारे प्लेस हैं, आपकी नदी है, पहाड़ है, वैलीज हैं, ओशंस हैं. तो नियरली इट इज़ डिफरेंट द, इट्स सिंपली थिकनेस इज अ डिफरेंट फॉर द ईच एंड एवरी प्लेसेस. सो इफ़ इट्स कॉल्ड द अंडर ओशन, तो इसकी थिकनेस क्या होती है, 6 to 11 किलोमीटर्स हो जाती है. बट अगर हम पर्वत की बात करें, पहाड़ों की बात करें, माउंटेन्स की बात करें, तो ये कितना हो जाता है, इट्स थिक्स नियर अबाउट 70 किलोमीटर. तो थिकनेस जो है पानी में आपका 7 to 11 हो गया, तो वही आसमान में या पहाड़ में उसका क्या हो गया, 70 किलोमीटर. इट इज़ मेड अप ऑफ रॉक्स. तो बेसिकली ये मेड अप ऑफ रॉक्स है, इसलिए ही ये क्रस्ट जो है डिफरेंट होता है, कहीं पे थिक कहीं पे कंपैरेटिवली थिन. इट कंटेन कॉन्टिनेंट्स एंड द ओशन. बेसिकली अगर हम ओशन की बात करें तो इट्स टू द कॉन्टिनेंट एंड द ओशन मोस्टली पास जो है उसका पानी से भरा हुआ है. एंड लाइफ एग्जिस्ट ऑन द क्रस्ट. जो क्रस्ट वाला पार्ट है, मतलब हार्डकोर वाला पार्ट है, वहीं पे लाइफ जो है वो एग्जिस्ट करता है. पानी है, ओशन्स हैं, सीज हैं, वैली